हेलो, वेलकम टू पीतीज कुक हाउस। आज हम बनाएंगे चने की दाल की टिक्की। चने की दाल की टिक्की के लिए हम लेंगे 1 कटोरी चने की दाल। इसको 4 to 5 आवर्स के लिए सोक करेंगे। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखेंगे क्या क्या डालेंगे। हमारे हरा धनिया, प्याज, अदरक, कटा हुआ हरा मिर्च। बाकी सूखे मसाले देखेंगे क्या क्या ऐड होंगे हमारे। लाल मिर्च, नमक, सूखी साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और अनारदाना। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो। अब ये मैंने सोख की हुई चने की दाल लूँगी, इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और इसको मिक्सी में ऐसे पीसना है कि चने की दाल का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा हमें दिखे, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। ये देखिए मैंने चने की दाल को पीस लिया है, एकदम महीन नहीं किया है मैंने। इसमें चने की दाल के टुकड़े भी दिख रहे हैं, देखिए। ये देखिए चने की दाल का टुकड़ा, बीच बीच में ऐसे दाने दिखने चाहिए, ऐसे ही मुझे पीसना है। मैं इसमें प्याज मिक्स करूंगी, हरी धनिया, मिर्च और कटा हुआ अदरक। इन सबको मिक्स कर लेंगे और साथ में हम सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सूखी साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्च, अनार दाना, नमक, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी गोल गोल टिक्की बना लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। गोल गोल टिक्की बनाने से पहले हमें अपने घी अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देखिएगा अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लगाना है। ये देखिए अभी लगाती हूँ मैं, थोड़ा सा हाथ पे घी लगाया और फिर टिक्कियाँ बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मुझे टिक्की को मेरे को प्रेस करेंगे और ऐसे गोल गोल टिक्की बनाते हुए रखते जाएंगे। देखिए गोल गोल टिक्की तैयार हो गई। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें हम ना तो मैदा मिक्स करते हैं और ना ही बेसन। ये केवल चने की दाल की ही टिक्की होती है और मतलब इजली बन सकती है, मतलब इसे कोई बनाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच बीच में हम लोग घी लगाते जाएंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। लगभग सारी टिक्कियां हमारी बन गई हैं। लास्ट टिक्की है, अब इसको भी हम बना लेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई रखेंगे और हम घी डालेंगे कढ़ाई में। डीप फ्राई के लिए उतना ही घी डालना है जितनी हमारी इजली टिक्की फ्राई हो जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं। आप लोग नॉर्मल सरसों के तेल में भी हम फ्राई कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे रिफाइंड तेल ही यूज़ किया है। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट के लिए हम गर्म करने को रखेंगे। मेरा घी गर्म हो गया है। टिक्कियाँ डालेंगे अब इसमें
एक एक टिकिया करके डालते जाएंगे। टिकिया जैसे ही डालेंगे वैसे ही नहीं पलटाना है, हमें 2-3 मिनट के लिए उस वेट करना है। अगर हम तुरंत कलछी से पलटा देंगे तो चिपकने लगेगी, इसलिए थोड़ा सा वेट करके उसके बाद ही हमें पलटाना है। देखिए हमारी टिक्किया फ्राई हो रही है, और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। अभी इसका कलर लाइट है, थोड़ा सा डार्क हो जाए तब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया मैंने टिश्यू पेपर पे, हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।